हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इस सेशन में हम बात कर रहे हैं कि कैसे हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जा सकता है काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्स हैं स्टेट लेवल पे अगर मैं बात करूँ खासतौर पर जहां पर ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं ठीक है जैसे आर एस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं एल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और भी बहुत सारे स्टेट लेवल के एग्जाम है जहां पर ट्रांसलेशन संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी भी पूछा जाता है आपसे तो उसका सोल्यूशन तो ये है कि आप मंडे टू फ्राइडे जो शाम को पाँच बजे हम डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस जो करते हैं वहां पे वो सेशन देखेंगे तो वहां से तो आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीख पाएंगे और इस सेशन से आप सीख पाएंगे कि कैसे हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो सकता है तो एक सटीक अप्रोच क्या होनी चाहिए वो आप यहाँ पे सीखने वाले हैं आपको बस इतना सा काम करना है कि एंड तक सेशन को देखिएगा और जरूर से दोस्तों के साथ शेयर करना आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जहां पर एक अप्रोच काम करेगी कि कैसे आप कितना भी लंबा सेंटेंस हो कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो लेकिन कैसे आप बड़े से बड़े सेंटेंस को बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे इंग्लिश में एक छोटी सी बात तो दिमाग में रखिए कि हिंदी जो है वो अंग्रेजी का थोड़ा सा उल्टा रूप चलता है क्यों चलता है उसका कारण देखो हिंदी है उसमें पहले हम लेते हैं कर्ता ठीक है उसके बाद में हम लेते हैं कर्म उसके बाद में हम लेते हैं क्रिया जबकि आप अगर इंग्लिश में देखें तो सब्जेक्ट पहले आएगा उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट तो ये थोड़ी सी जो ये डिफरेंस जो है है ना इस चीज का इसको आपको ध्यान रखना है। Means हिंदी में ऑब्जेक्ट पहले आता है क्रिया बाद में आती है इसमें क्रिया पहले आती है ऑब्जेक्ट बाद में आता है ठीक है और डूअर को पहचानना है सब्जेक्ट को पहचानना है इतना सा काम भी आप कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए ट्रांसलेशन करना तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को देखिए दो आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने लगभग बीस लाख रुपए के सोने और हीरे के आभूषणों की चोरी के एक मामले को हल कर लिया है आप वीडियो करके पहले खुद से ट्राई कर लें और फिर देखें कि भी, भी किया है तो देखिएगा तो, तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसके बाद जो दे रखा आपको वहां से एक वाक्य स्टार्ट होता है तो इससे पहले वाली जो चीज है ना दो आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ तो के साथ उल्टा लेकर चलिए हिंदी से उल्टा तो विद किसके साथ अरेस्ट के साथ तो विद द अरेस्ट अरेस्ट किसका दो आरोपियों का तो विद द अरेस्ट ऑफ टू अक्यूज अक्यूज जो होते हैं वो आरोपी के लिए यूज करते हैं अब ये उल्टा मैंने क्यों नहीं किया दो आरोपी को टू बाद में क्यों नहीं लगाया मीन्स पहले आरोपी और फिर ये मैंने उल्टा बताया ना के साथ यहां पे आ गया विद फिर गिरफ्तारी ये द अरेस्ट ये फिर की ऑफ लग गया दो अक्यूज ये देखो नाउन है और ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव नाउन से पहले आएगा जनरली तो इसलिए ये जो है, जो बताने वाले एडजेक्टिव उनको बोलते हैं तो तो है। है केस को तो दूवर पहले आएगा सब्जेक्ट पहले आएगा तो ये द पुलिस लगा दिया मैंने द पुलिस अब देखिए क्या दे रखा है क्रिया मैंने कहा कि पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब वर्ब क्या है वर्ब है यहां पे हल कर लिया है ठीक है हल करना यहाँ पे क्रिया है एक बात ध्यान रखें कि जब ये ट्रांसलेट ट्रांसलेट करते हैं और वहाँ पे ऐसा है कि कोई कम कर लिया मैंने खाना खा लिया है, है ना वह चला गया है वह पहुँच चुका है इस प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं ठीक है लास्ट में अगर है दे रखा है कर लिया है कर चुका है ऐसे सेंटेंसेस किस में आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में मान लो कि यहां पे है नहीं होता केवल कर लिया इतना ही होता तो हमें पास्ट सिंपल में सेंटेंस को लेकर जाते हैं ठीक है तो यहां पे कर लिया है क्या कर लिया है हल कर लिया है तो एक तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट लेना है प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव लगाते हैं ये पता होना चाहिए आपको प्लिस के साथ में क्या लगाओगे थोड़ी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए कि प्लिस है वो प्लुरल सब्जेक्ट होता है इसलिए इसके साथ में वर्ब जो है प्लुरल लगाएंगे तो इसलिए आएगा हैव पलिस हैव हल कर लिया है सोल्ड तो पुलिस ने कर लिया सोल्व क्या सोल्व कर लिया है तो यहां पे एक मामले को सोल्व कर लिया है ठीक है उल्टा चल रहे हैं तो दलिस है, है किसका ये मामला है चोरी का मामला है ठीक है तो केस ऑफ थेफ्ट चोरी के लिए क्या यूज करेंगे थे और चोरी किसकी है तो चोरी यहां पर है आभूषणों की और आभूषण कौन से है सोने और हीरे के तो थे ऑफ थेफ्ट ऑफ गोल्ड एंड डायमंड सोने और हीरे गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी आभूषण को क्या बोलते हैं ज्वेलरी इसको ज्वेलरी पड़ते हैं ज्वेलरी नहीं पड़ता है ना ज्वेलरी और यह कह रहा है कि कितने रुपए के हैं बीस लाख रुपए के लगभग और कहा है इसने है ना तो यहां पर क्या आ जाएगा कि भाई अ केस ऑफ थेफ्ट ऑफ गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी वर्थ ये रुपए के लिए लगाते हैं लगभग इतने रुपए का है तो वर्थ लगा देते हैं और लगभग के लिए लगा देते हैं अप्रोक्सीमेटली वर्थ अप्रोक्सीमेटली रुपीज रुपीज ट्वेंटी लैख ये आपका ट्रांसलेशन हो गया फिर समझना विद द अरेस्ट ऑफ टू अक्यूज यहां तक की एडिशनल इंफॉर्मेशन को हमने पहले ले लिया तो यहां पे विद द अरेस्ट गिरफ्तारी तो के साथ के लिए लगाया विद गिरफ्तारी के लिए लगाया अरेस्ट की के लिए लगाया ऑफ और टू अक्यूज अब ये सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ पुलिस ले लिया सब्जेक्ट इसकी वर्ब है हल कर लिया है तो चूंकि ज्वेलरी तो तो केस, केस तो की, की इसकी कीमत कितनी थी वर्थ अप्रोक्सीमेटली रुपीज ट्वेंटी लैख लगभग इतने रुपए की ये गहने थे इनकी चोरी का केस हल कर लिया है बात समझ में आ गई होगी बहुत आसान हो गया दूसरा सेंटेंस लेते हैं और पोज करके फिर से आप कोशिश करिए इसी से संबंधित था जो आरोपी थे उनको गुप्त सूचना मिलने पर उन्हें उनके निवास से दबोचा गया समझना। ये तो एक दबोचने वाले यहां पे नहीं है डूअर नहीं है, ये है क्योंकि जब आप काम खुद करते हो तो एक्टिव वॉइस का वाक्य है, उन पर आप पे काम किया गया है तो पैसिव वॉइस हो गया उसी हिसाब से लेंगे पहले ये देख लेते हैं ऑन uh, यहां पे एक गुप्त सूचना मिलने पर तो ये पर ऑन लग गया मिलने पर ऑन गेटिंग ऑन गेटिंग सूचना सूचना को बोलेंगे ऑफ एक वर्ड भी याद रखें है ना या गुप्त सूचना सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी कह सकते थे टिप ऑफ एक प्रॉपर वर्ड होता तो मैंने ये ले लिया ऑन गेटिंग अ टिप ऑफ ठीक है उन्हें उन्हें के लिए क्या लग जाएगा दे प्लूरल है दबोचा गया अगर मान लो पुलिस ने उन्हें दबोचा ऐसा बोलता मैं मैंने कहा था कि भाई कोई काम कर लिया आ की मात्रा आ रही है समझाऊं इसको ट्रांसलेशन बेसिकली होता किस प्रकार से है तो आ ई ए, ए इस प्रकार की जो मात्राएं आती है लास्ट में वहां पे आप लेकर चलते हैं पास्ट सिंपल में और ये चूंकि पैसिव है तो पास्ट सिंपल का मतलब सेकंड फॉर्म होता है और सेकंड फॉर्म का पैसिव किससे बनता है ये पता हो आपको तो वॉज वर से बनता है दे के साथ क्या लगेगा वर दे वर दबोचना मतलब यहां पे गिरफ्तार करना सीधी सी बात है तो गिरफ्तार करने के लिए अरेस्टेड कर सकते हो या फिर एक वर्ड यूज कर सकते हो नेब्ड उनको गिरफ्तार किया गया तो देवर गिरफ्तार किया गया फ्रॉम फ्रॉम देयर रेजिडेंस उनके निवास से निवास को रेजिडेंस बोलते हैं और चूंकि उनका निवास है तो यहां पे दे दे का पजेसिव एडजेक्टिव देयर बनेगा तो देयर रेजिडेंस ठीक है तो ऑन गेटिंग ए टिप ऑफ एक सूचना मिलने पर गुप्त सूचना को टिप ऑफ बोलते हैं ये वर्ड भी नोट कर लेना उनको दबोचा गया तो यहां पे पैसी वॉइस था तो दे लगा दिया और पैसी वॉइस किसका है सेकंड फॉर्म का सेकंड फॉर्म का पैसी वॉइस वर से बनता है तो दे के साथ वर लगा दिया दबोचना नेब्ड भी कह सकते हो अरेस्टेड भी कह सकते हो यहां पे अरेस्टेड लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है दे वर अरेस्टेड कहां से तो से के लिए फ्रॉम और उनके घर से रेजिडेंस ठीक है नेक्स्ट पे आए अब देखिए तीसरा सेंटेंस कैसे करेंगे आप तीसरा सेंटेंस में है संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष ने भारतीय मूल की प्रीति सिन्हा को अपना कार्यकारी सचिव नियुक्त किया है थोड़ा ध्यान से देखेंगे अगर इसको आप तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि कौन सा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट यहाँ पे है ये वाला संयुक्त राष्ट्र के विकास पूंजी विकास कोष ये सब्जेक्ट है ठीक है और ये इसकी वर्ब है नियुक्त किया है ये इसकी क्या है वर्ब है अब अगर इसको लेके चलते हैं तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष संयुक्त राष्ट्र को क्या बोलते हैं द यूनाइटेड नेशंस द यूनाइटेड नेशंस अब चूंकि ये नेम है इसलिए इसको कैपिटल में रखिएगा और पूंजी विकास कोष पूंजी को बोलते हैं कैपिटल विकास को बोलते हैं डेवलपमेंट कोष को बोलते हैं फंड ठीक है यह आपका हो गया सब्जेक्ट इसने क्या किया है इसने नियुक्त किया है नियुक्त किया है देखिए मैंने कहा था कोई भी काम किया है कर चुका है उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं चूंकि ये किसी एक संस्था का नाम है इसलिए सिंगुलर इसको लेंगे आप सिंगुलर लेंगे तो हैज ठीक है प्रेजेंट परफेक्ट लग जाएगा इसके अंदर तो यहां पे हो जाएगा कि भाई संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष ने भारतीय मूल की प्रीति सिन्हा को नियुक्त किया है तो नियुक्त किया है तो हैज और नियुक्त करने को क्या बोलते हैं अपॉइंटेड हैज अपॉइंटेड ये हो गई वर्ब अब ऑब्जेक्ट नियुक्त किसको किया है नियुक्त किया है प्रीति सिन्हा को तो हैज अपॉइंटेड प्रीति सिन्हा यह हो गया प्रीति सिन्हा अब बाकी इंफॉर्मेशन जोड़ दीजिए और यह भारतीय मूल की प्रीति सिन्हा थोड़ा सा एक बात और यहां पे दे रखी है भारतीय मूल की तो भारतीय मूल के लिए जोड़ दो इंडियन ओरिजन क्योंकि इसी की विशेषता है तो इंडियन ओरिजन जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है नाउन के रिगार्डिंग वो साथ में लेकर चलते हैं तो इंडियन ओरिजन प्रीति सिन्हा ठीक है और किस पद पर इनको नियुक्त किया है वो आगे जुड़ जाएगा प्रीति सिन्हा और अपॉइंटेड किस रूप में नियुक्त किया है एज कार्यकारी सचिव कार्यकारी को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव सचिव को बोलते हैं सेक्रेटरी अपना अपना मतलब इसका खुद का तो इसका इसके लिए इट्स आ जाएगा इस संस्था के लिए इट्स एग्जीक्यूटिव और सचिव सचिव को बोलते हैं सेक्रेटरी सेक्रेटरी आपका आंसर हो गया

आंदोलन आप सीधा किसान आंदोलन कह सकते हो फार्मर मूवमेंट ऐसा भी कह सकते हो किसान आंदोलन समिति समिति को बोलते हैं कमिटी कमिटी की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है कमिटी की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए तो ये हो गया द किसान आंदोलन कमिटी इसने क्या किया है इसने काम किया है फैसला किया है ये इसकी वर्ब है ठीक है और फिर देखो कोई भी काम किया है कर चुका है उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट जो कमिटी है वो सिंगुलर है तो हैज डिसाइडेड फैसला किया है तो हैज डिसाइडेड किस चीज का, का फैसला किया है उल्टा चलते हैं तो का इस चीज का फैसला किया है आयोजित करने का फैसला लिया है ठीक है और तो हैज डिसाइडेड टू होल्ड आयोजित करने का टू होल्ड क्या होल्ड करना है कवि सम्मेलन इसके उल्टा चलिए कवि सम्मेलन तो सीधा कवि सम्मेलन लिख दीजिए हैज डिसाइडेड टू होल्ड कवि सम्मेलन कवि सम्मेलन किसके लिए मनोबल बढ़ाने के लिए उल्टा चलिए के लिए के लिए फोर भी लगा सकते हो सीधा ये कोई आपका पर्पज है उसके लिए टू भी लगा सकते हो पर्पज की जो प्रेपेशन लगा दें तो टू देफिनेटिव लगा दीजिए दे पर्पज बन जाएगा तो टू बढ़ाना बढ़ाने के लिए टू बूस्ट और क्या बढ़ाना है मनोबल उल्टा चल रहे हैं मरल ठीक है मराल बोलते हैं इसको मराल और किसका मराल बढ़ाना है प्रदर्शनकारियों का मरल ऑफ प्रदर्शनकारी प्रोटेस्टर्स ये आपका आंसर हो गया फिर समझना बहुत आसान है किसान आंदोलन समिति सब्जेक्ट हुआ इसने क्या किया फैसला किया तो हैज डिसाइडेड क्या फैसला किया तो उल्टा चल रहे हैं आयोजित करने का तो टू होल्ड क्या आयोजित करना है कवि संवेलन किसके लिए आयोजित करना है तो टू टू बूस्ट और क्या बढ़ाना है मनोबल मराल किसका ऑफ प्रदर्शनकारियों मतलब प्रोटेस्टर्स मैंने कहा था ना हिंदी का उल्टा रूप जो है वो अंग्रेजी निकलकर आ जाता है नेक्स्ट सेंटेंस देखो अंतिम सेंटेंस है ये यह पार्टी प्रदर्शनकारियों पर झूठा आरोप लगा रही है सब्जेक्ट क्या है यह पार्टी क्या लगाएंगे दिस पार्टी ठीक है क्या कर रही है पार्टी पार्टी लगा रही है आरोप ठीक है लगा रही है आरोप लगा रही है उसके लिए आप सीधा अक्यूजिंग भी कर सकते हैं और इंपोजिंग भी आरोप लगा रही है तो इंपोजिंग भी कर सकते हैं तो इज इंपोजिंग चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लेकर चलेंगे कोई भी काम हो रहा है कर रहा है तो इज इंपोजिंग क्या लगा रही है झूठे आरोप तो ये झूठा जो है एडजेक्टिव है आरोप यहां पे नाउन है तो एडजेक्टिव पहले लीजिए फॉल्स और आरोप को बोलेंगे फॉल्स तो तो इसमें से एच हटा दो तो फॉल्स एक्जेशन ठीक है किस पर लगा रही है प्रदर्शनकारियों पर तो ऑन पर प्रदर्शनकारियों प्रोटेस्टर्स अभी देखा था हमने प्रोटेस्टर्स ठीक है भाई तो पार्टी सब्जेक्ट हुआ ये क्या कर रही है इंपोज कर रही है लगा रही है क्या फॉल्स एक झूठे आरोप और किस पर प्रोटेस्टर्स पर बात समझ में आ गई तो आपको सीधा सीधा काम क्या समझ में आया ट्रांसलेशन वाली क्लास में कि भाई सब्जेक्ट निकाल लो डूवर निकाल लो उसकी वर्ब निकाल लो उसका ऑब्जेक्ट निकाल लो और ये जनरली सब्जेक्ट तो मिलेगा स्टार्ट में ही हिंदी की जैसे लेकिन बाकी का पार्ट जो है उल्टा चलता रहता है यहां भी देखेंगे ये सब्जेक्ट मैंने लिया फिर उल्टा लगाया लगा रही है तो इज इंपोजिंग आरोप और झूठा आरोप चूकी एडजेक्टिव के साथ लोगे तो फॉल्स एक्यूजेशन पर ऑन और प्रोटेस्टर्स ठीक है सभी में हमने ऐसा ही किया है तो ये सेशन था आपका ट्रांसलेशन का कैसा लगा है? जरूर बताइए कमेंट करके और जरूर दोस्तों तक पहुंचाइएगा शेयर करना मैक्सिमम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए नमस्कार थैंक यू वेरी मच